अनुच्छेद लेखन। हिंदी में अनुच्छेद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल किसी एक भाव अथवा एक विचार की पूर्ण किंतु संक्षिप्त अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें निबंध की तरह संबंधित विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार न करके उसके किसी एक पहलू का ही संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। यह वर्णन अत्यंत सारगर्भित होता है। एक सामान्य अनुच्छेद का आकार 10 से 12 पंक्ति अथवा 100 से 150 शब्दों का होता है। जब आप अनुच्छेद लिखें तो अनुच्छेद लिखते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त होता है। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 से 15 वाक्यों अथवा 150 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके सिर्फ उनकी चर्चा करनी चाहिए। जहां तक संभव हो वाक्यों को छोटा तथा सरल रखना चाहिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। यह अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। अतः अनुच्छेद लेखन के दौरान आपको संकेत बिंदुओं को समझते हुए अपने विचारों को एक साथ लाकर 10 से 15 वाक्यों में अर्थात 150 शब्दों तक अपनी बात को एक अनुच्छेद अथवा पैराग्राफ में कहने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के प्रारूप पर बात करते हुए मैं आपका ध्यान मुख्य चार बिंदुओं पर लाना चाहूंगी। जब आपके सामने अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आता है तो आपके पास एक विषय होता है और विषय से संबंधित संकेत बिंदु होते हैं। उन संकेत बिंदुओं को आप चार भागों में बांटेंगे: शीर्षक, परिचय, विषय वस्तु और निष्कर्ष। शीर्षक आपके पास अनुच्छेद के विषय के रूप में उपलब्ध है। उसे आप सीधे प्रश्न पत्र से, प्रश्न से लेकर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है परिचय। इसके अंतर्गत आप रोचकता व रुचि को बनाए रखने के लिए आकर्षक पंक्तियों, स्लोगन, नारा या किसी के द्वारा बोली गई कोई बात या कविता की कोई पंक्तियां लिख सकते हैं। विषय वस्तु। इसके अंतर्गत अनुच्छेद का मुख्य भाग आता है। आप अपने संकेत बिंदु को देखिए और पता कीजिए कि आपसे मुख्य भाग के रूप में क्या पूछा जा रहा है। इसमें मुख्य पक्ष जैसे कारण, प्रभाव, भेद, गुण दोष आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। अंत में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में भी आप पहले संकेत बिंदु की तरफ नजर डालिए कि संकेत बिंदु में निष्कर्ष के रूप में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहां आपको आपका दृष्टिकोण, सुझाव, आलोचना या विषय से संबंधित कोई भी ऐसी बात जो अनुच्छेद के अंत में आप अपनी बात पूर्ण करने के लिए लिखना चाहते हैं उसे प्रस्तुत करना होता है। यह बात अवश्य ध्यान रहे कि भले ही हमने अनुच्छेद को शीर्षक, परिचय
विषय वस्तु और निष्कर्ष में बांटा है, लेकिन लिख हम एक अनुच्छेद ही रहे हैं, एक विषय पर लिख रहे हैं और उसी विषय पर हमें टिके रहना है, संकेत बिंदुओं से इधर उधर नहीं भटकना है। यही एक सफल अनुच्छेद की राह है। तो आप प्रयास करिए कि आप एक बेहतर अनुच्छेद का निर्माण कर सकें। मैं आपके सामने गया वक्त फिर हाथ नहीं आता विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर एक अनुच्छेद पढ़ने जा रही हूं। संकेत बिंदु इस प्रकार से हैं: बीता समय फिर हाथ नहीं आता, समय सबसे बड़ा धन, जीवन में सफलता का आधार समय, समय नष्ट करने वालों को समय ही नष्ट कर देता है। अनुच्छेद इस प्रकार से है: कहा जाता है कि जिस प्रकार मुंह से निकली बात, कमान से छूटा तीर, देह से निकली आत्मा, शाखा से टूटे पत्ते और बीता हुआ बचपन फिर कभी नहीं लौटते, उसी प्रकार हाथों से रेत की तरह फिसलता समय अर्थात गया हुआ वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता। वेदों में भी कहा गया है कि समय लगातार अग्रसर अश्व के समान है, जो एक बार निकल जाए तो लौटकर नहीं आता। समय जो जगत नियंता से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि रूठे हुए प्रभु को तप, आराधना और भक्ति से पुनः मनाया जा सकता है, परंतु रूठे हुए कल को अर्थात बीते हुए समय को करोड़ों उपाय करके भी वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। समय मानव की बहुमूल्य निधि है, समय ही सबसे बड़ा धन है, अतः समय की गति को पहचानकर कार्य करने वाला भाग्यशाली है, धनी है, सिद्ध पुरुष है। समय जब द्वार पर दस्तक देता है तो जो उसकी आवाज पर कर्म करने वाले होते हैं वे लाभान्वित होते हैं, और जो दैव दैव पुकारते रहते हैं वो जीवन में पिछड़ जाते हैं। समय की अवहेलना करने वाला समय की मार से कब बचा है? समय सत्य का पथ प्रदर्शक है, समय की पाबंदी ही सफलता की कुंजी है। कल का काम आज निपटाना ही यशस्वी बनने का साधन है। समय को नष्ट करने वालों को एक दिन समय ही नष्ट कर देता है, क्योंकि गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो इस प्रकार से आप अनुच्छेद लेखन करते वक्त विभिन्न विचारों को अपने एक अनुच्छेद में रखते हैं, और लिखते वक्त अब विषय और संकेत बिंदुओं के आधार पर ही लिखते हैं। अर्थात विभिन्न विषय चुनिए और संकेत बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और 100 से 150 शब्दों के बीच अनुच्छेद लिखने का सफल प्रयास अवश्य कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं।